नाज़रीन इकराम, आपने सहाफ़ी इमरान रियाज ख़ान साहब की गुफ्तगू सुनी। एक तरफ शहर फरहाद अहमद फरहाद का जो केस चल रहा है, उसमें जज ने जिस तरह मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जिस तरह से रिमार्क्स दिए हैं बहादुरी के साथ सेक्टर कमांडर के बारे में कि क्या वो चांद पे रहता है, अब जो है ना उससे अदालत तलब करने का भी कहा गया। अगर आज जवाब नहीं जमा होता अदालत में तो जज ने यह कहा था कि मैं उसे भी तलब करूँगा, वज़ीर आज़म को भी तलब करूँगा, क्योंकि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं। और नाज़रीन, दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद की तीन सीटें थीं, तीनों पर डाका डाला गया था जिस तरह से, नाज़रीन अब वक्त करीब आ चुका है कि ये तीनों सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिल जाएंगी। अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अली बुहारी साहब हो गए, शोएब शाहीन साहब हो गए, ये केस को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं नाज़रीन। उन्होंने यही कहा है कि अब जो है ना इनका अडियाला जेल जाने का वक्त आ चुका है, अब ये वापस घर नहीं जाएंगे, सीटें वापस करके तो ये डायरेक्ट अडियाला जेल जाएंगे। नाज़रीन, ये जो अगला जुमा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये नून लीग पर एक बार फिर भारी साबित होगा। नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।